हेलो स्टूडेंट्स मिशन 100 परसेंट इन ट्वेल्थ मैथ्स में फिर से एक बार स्वागत है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाई राजेश्वर चौहान स्टूडेंट मिशन 100 परसेंट की थर्टी फिफ्थ वीडियो है चैप्टर 10 वेक्टर्स की सेकंड वीडियो है चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन लिए थे सेवेंटीन जो कि वन मार्क और टू मार्कर्स थे इस बार इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके फोर और सिक्स मार्कर वैसे सन सेसन टू थाउजेंड से, से, से सन, 2021, 2021 से ये स्टार्ट हो चुके हैं फोर और सिक्स के प्लेस पर थ्री और फाइव मार्क्स में क्लियर तो क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं स्टूडेंट सो दैरोग्रामी आई प्लस जे माइनस टू के एंड आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के फाइव रूट थ्री स्क्वायर यूनिट तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले यहां से अगर मैं ये डायगनल्स दिए हुए हैं तो d1 वन इक्वल टू मान लेता हूं मैं कितना थ्री आई प्लस जी माइनस टू के और डी टू मान लेता हूं मैं डायगनल्स के लिए कितना आई माइनस थ्री जी और प्लस फोर के ठीक है तो सबसे पहले डी वन क्रॉस डी टू निकालते हैं क्यों निकालते हैं पहले वो भी समझ लीजिएगा एरिया ऑफ पैलोलोग्राम इक्वल टू होता है हाफ इंटू डी वन क्रॉस डी टू का मोड अगर डायगनल दिए हुए हैं तो यह होता है और अगर साइड दे रखी होती हैं तो ए क्रॉस बी का मोड आ जाता है डायरेक्ट क्लियर तो ये आएगा आपका पहले मैंने डी वन क्रॉस डी टू निकालता हूं तो आई जे और के तो ये हुआ हमारा थ्री वन माइनस टू और वन माइनस थ्री और फोर तो यहां से अगर मैं निकालता हूं आई इंटू ये कैंसिल ये कैंसिल तो फोर और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस सिक्स माइनस जी इंटू ये कैंसिल ये कैंसिल फोर थ्री जै ट्वेल्व प्लस टू और प्लस के इन टू ये कैंसिल ये कैंसिल तो माइनस नाइन माइनस वन तो दैट इज इक्वल टू माइनस टू आई माइनस फोर्टीन जे और माइनस टेन के तो ये आ गया हमारा डी वन क्रॉस डी टू अब डी वन क्रॉस डी टू का मोड़ निकालते हैं और ये आएगा हमारा अंडर रूट माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस फोर्टीन का स्क्वायर प्लस माइनस टेन का स्क्वायर तो इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर फोर प्लस फोर्टीन का स्क्वायर हुआ वन नाइनटी सिक्स और प्लस टेन का स्क्वायर हुआ हंड्रेड तो ये हुआ हमारा कितना दैट इज़ वन नाइनटी सिक्स और फोर हो गया टू हंड्रेड प्लस हंड्रेड दैट इज़ थ्री हंड्रेड क्लियर तो इसका मतलब हमारा इसको कितना लिख सकते हैं हम टेन अंडर रूट थ्री आ जाएगा ठीक है तो अब एरिया ऑफ पैरोग्राम होता है हाफ इंटू डी वन क्रॉस डी टू तो इसका मतलब ये हुआ हमारा हाफ इंटू डी वन क्रॉस डी टू का मोड कितना आया टेन रूट थ्री टेन रूट थ्री तो टू फाइव 10 तो ये हो गया हमारा फाइव रूट थ्री स्क्ट क्लियर और यही हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ पैराग्राम फाइव रूट थ्री स्क्वाट है क्लियर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a टू आई प्लस जे प्लस के बी इक्वल टू फोर आई माइनस टू जे प्लस थ्री के एंड सी इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस के फाइंड ए वैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड सिक्स यूनिट्स विच इज पैरल टू द वैक्टर दिस वन तो पहले हम इसको देखिए टू ए माइनस बी प्लस थ्री सी को मैं डी वैक्टर मान लेता हूँ अगर तो लेट अस सपोज डी वैक्टर इक्वल टू हम ले लेते हैं टू ए माइनस बी और प्लस थ्री सी पहले इस वैक्टर को निकाल लेते हैं कितना आएगा तो टू इन टू ए का मतलब क्या है आई प्लस जे प्लस के माइनस बी बी का मतलब फोर आई माइनस टू जे प्लस थ्री के और प्लस थ्री सी तो थ्री इंटू सी सी का मतलब हुआ आई माइनस टू जे प्लस के ठीक है तो ये हो गया हमारा कितना टू आई प्लस टू जे प्लस टू के माइनस फोर आई माइनस माइनस प्लस टू जे माइनस थ्री के और प्लस थ्री आई माइनस सिक्स जे और प्लस थ्री के तो देखिए ज़रा कितना आ गया ये टू और थ्री फाइव फाइव में से फोर गया दैट इज आई टू जे प्लस टू जे फोर जे और माइनस सिक्स जे तो माइनस टू जे और टू के और थ्री के फाइव के माइनस तो ये थ्री के से तो थ्री के कैंसिल हो जाएगा तो दैट इज प्लस टू के ये आ गया हमारा डी वेक्टर ठीक है अब सबसे पहले देखिए इसका डी का हमें यूनिट वैक्टर निकालना है तो डी यूनिट वेक्टर हमारा कितना हो गया क्योंकि हमारा इसके पैरेलल अगर कोई वेक्टर आएगा तो वो डी कैप आएगा क्लियर तो उसके बाद सिक्स यूनिट मैग्नीट्यूड होगा तो सिक्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डी वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले तो इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर तो ये हो गया हमारा अंडर रूट वन प्लस फोर प्लस फोर तो, तो दैट इज इक्वल टू तो अंडर रूट नाइन और अंडर रूट नाइन का मतलब हो गया थ्री ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ डी कैप निकालता हूं यूनिट वेक्टर तो ये हुआ डी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ डी वेक्टर तो इसका मतलब ये आ गया डी वेक्टर कितना आया था हमारा आई माइनस टू जे प्लस टू के और अपोन में आ गया हमारा थ्री ठीक है तो अब हमें निकालना है कि जिसका मैग्निट्यूड सिक्स यूनिट आएगा इसके पैरेलल तो अगर मैं उसको पी वेक्टर मान लेता हूं स्टूडेंट तो पी इक्वल टू आ जाएगा सिक्स इंटू डी कैप तो इसका मतलब ये आ गया सिक्स इंटू डी कैप का मतलब कितना हुआ आई माइनस टू जे प्लस टू के और अपन में आ जाएगा थ्री तो थ्री से ही कैंसिल हो गया थ्री टू जै सिक्स तो ये आ गया टू आई माइनस फोर जे और प्लस फोर के तो देखिए ये हमारा हो गया वो वेक्टर जो हमारा टू आई माइनस टू ए माइनस बी प्लस थ्री सी के पैरल है और जिसका मैग्नीट्यूड सिक्स यूनिट है तो आप निकालना चाहें तो इसका वो मैग्नीट्यूड भी निकाल कर देख सकते हो टू का स्क्वायर फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और फोर ट्वेंटी और सिक्सटीन थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट सिक्स आ जाएगा क्लियर तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेट ए इक्वल टू आई प्लस फोर जे प्लस टू के बी इक्वल टू थ्री आई माइनस टू जे प्लस सेवन के एंड सी इक्वल टू टू आई माइनस जे प्लस फोर के फाइंड ए वैक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी इक्वल टू एटीन क्लियर इसको करने के देखिए दो तरीके हैं मैं एक तरीका ही आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका आप देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा है कि डी वैक्टर जो हम मान रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि लेट डी वैक्टर इक्वल टू डी वन आई प्लस डी टू जे प्लस डी थ्री के ठीक है तो यहाँ से अब सबसे पहले कह रहा है कि d वेक्टर जो है इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर है क्लियर एंड d वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है तो इसका मतलब यहाँ से हो गया हमारा d डॉट a इक्वल टू जीरो एंड d डॉट b इज इक्वल टू जीरो तो दोनों इक्वेशन बना लेता हूँ मैं पहले d डॉट a का मतलब हो गया d1 प्लस फोर डी टू मा और प्लस टू डी थ्री इक्वल टू ज़ीरो तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई और दूसरी डी डॉट भी इक्वल टू ज़ीरो से थ्री डी वन माइनस टू डी टू और प्लस सेवन डी थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो ये हमारी इक्वेशन टू हो गई और थर्ड इक्वेशन हमारी दे रखी है कि सी अभी पहले मैं इसको ही सॉल्व कर लेता हूँ तो d1 वन अपौन इक्वल टू डी टू अपोन इक्वल टू डी थ्री अपोन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लेता हूं तो ये आएगा फोर माइनस टू टू सेवन अब टू सेवन और वन थ्री और अब वन थ्री और फोर माइनस टू ठीक है तो ये आएगा हमारा d1 वन अपौन फोर सेवन जै ट्वेंटी एट और प्लस फोर इक्वल टू डी टू अपॉन टू थ्री सिक्स माइनस सेवन और इक्वल टू डी थ्री अपॉन माइनस टू माइनस ट्वेल्व ठीक है तो ये हो गया हमारा डी वन अपॉन थर्टी टू इक्वल टू डी टू अपॉन माइनस वन और इक्वल टू डी थ्री अपॉन माइनस फोर्टीन इक्वल टू इसको लेमडा मान लेते हैं तो यहाँ से हमारा आएगा d1 वन इक्वल टू थर्टी टू लेमडा डी टू इक्वल टू आएगा माइनस लेमडा और d3 थ्री इक्वल टू हो जाएगा माइनस फोर्टीन लेमडा ठीक है अब ये कह रहा है कि c डॉट d इक्वल टू दिया है हमें 18 तो c डॉट d का मतलब टू डी वन माइनस डी टू प्लस फोर डी थ्री इक्वल टू हो गया एटीन और डी वन डी टू डी थ्री की वैल्यू रख दीजिए तो टू इंटू थर्टी टू लेमडा माइनस डी टू डी टू का मतलब है माइनस लेमडा और प्लस फोर डी थ्री और डी थ्री का मतलब है माइनस फोर्टीन लेमडा इक्वल टू हो गया एटीन तो ये हुआ हमारा सिक्सटी फोर लेमडा प्लस लेमडा और माइनस फिफ्टी सिक्स लेमडा इक्वल टू एटीन तो ये हुआ सिक्सटी फोर और प्लस वन सिक्सटी फ़ाइव और सिक्सटी फाइव में से फिफ्टी सिक्स गया तो कितना आया नाइन लेमडा इक्वल टू एटीन तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा हमारा टू अब लेमडा की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ स्टूडेंट तो लेमडा की वैल्यू डी वन डी टू डी थ्री में रख देते हैं तो so d1 वन इक्वल टू हुआ थर्टी टू इंटू टू दैट इज सिक्सटी फोर डी टू आया माइनस लेमडा माइनस लेमडा का मतलब माइनस टू और d3 का मतलब हुआ कितना माइनस फोर्टीन इंटू टू दैट इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी एट तो d वेक्टर हमारा निकल जाएगा स्टूडेंट d1 वन आई डी वन आई का मतलब सिक्सटी फोर आई और माइनस टू जे और माइनस ट्वेंटी एट के तो यह है हमारा डी वैक्टर क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूजिंग वैक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिस इज आर तो देखिए ट्राइंगल दिए हुए हैं आपको अगर ये मैं ए बी सी मान लेता हूँ ए बी सी तो ए के वर्टेक्स दिए हैं वन वन टू बी के वर्टेक्स दिए हैं टू थ्री फाइव और सी के वर्टेक्स दिए हैं वन फाइव फाइव ठीक है तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा अगर हम निकालें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको हाफ इंटू बी ए क्रॉस बी सी का मोड ठीक है तो सबसे पहले हमें बी ए निकालना होगा स्टूडेंट तो बी ए का मतलब हो गया पोजिशन वैक्टर ऑफ ई माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी तो वन माइनस टू इंटू आई प्लस वन माइनस थ्री इंटू जे और प्लस टू माइनस फाइव इंटू के तो ये हो गया हमारा माइनस आई माइनस टू जे और माइनस थ्री के इसी प्रकार अगर बी सी निकाल तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी वन माइनस टू आई वन माइनस टू आई मा, प्लस फाइव माइनस थ्री इंटू जे और प्लस फाइव माइनस फाइव इंटू के तो ये हो जाएगा हमारा माइनस आई प्लस टू जे प्लस जीरो के तो ये हो गया हमारा बी सी इलेक्टर ठीक है अब हमें निकालना है सबसे पहले बी ए क्रॉस बी सी तो ये हो गया हमारा आई जे कि आई का बी ए के कॉफिशेंट कितने थे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और इसके हो गए माइनस वन टू और ज़ीरो तो ये हो गया हमारा कितना आई इंटू ये कैंसिल ये कैंसिल तो ज़ीरो माइनस 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 हो जाएगा प्लस सिक्स माइनस जे इंटू ये कैंसिल ये कैंसिल सेम ज़ीरो और माइनस थ्री और प्लस के इंटू ये कैंसिल ये कैंसिल तो माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से हुआ हमारा बी ए क्रॉस बी सी इज इक्वल टू सिक्स आई माइनस माइनस प्लस थ्री जी और माइनस फोर के ठीक है तो अब हमें देखिए बी ए क्रॉस बी सी का मॉड निकालना है तो बी ए क्रॉस बी सी का मॉड इक्वल टू आएगा हमारा अंडर रूट सिक्स स्क्वा प्लस थ्री स्क्वायर प्लस माइनस फोर स्क्वायर तो ये हुआ हमारा अंडर रूट थर्टी सिक्स प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन तो ये हुआ कितना सिक्स और सिक्स ट्वेल्व और नाइन ट्वेंटी वन और टू और वन थ्री और थ्री सिक्स क्लियर ये हुआ अंडर रूट सिक्सटी वन अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अभी हमने फॉर्मूला बताया था हाफ ऑफ बी ए क्रॉस बी सी का मोड तो ये आ गया हाफ इनटू बीए बी ए क्रॉस बी सी कितना आया अंडर रूट सिक्सटी वन यूनिट्स क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेक्टर ए बी सी आर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर मोड ए मोड बी मोड सी दिया हुआ है आपको देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए तो सबसे पहले देखिए ध्यान से ए प्लस बी प्लस सी ठीक है तो यहां से अगर हम निकालें कि ये दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिया है जीरो वेक्टर तो अगर मैं दोनों तरफ ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट जीरो वेक्टर निकाल दू अगर तो यहां से डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा हमें इसका तो देखिए ए डॉट ई प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस इसी प्रकार बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी इसी प्रकार अब सी के साथ निकालेंगे तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी और प्लस सी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस ए बी प्लस सी डॉट जीरो जीरो का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो ही होगा स्टूडेंट क्लियर तो चलिए देखते हैं मोड ए ये हमारा हो जाएगा मोड का स्क्वायर और प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं तो ये आ जाएगा हमारा टू ए बी प्लस इसी प्रकार B डॉट C और C डॉट B हमारे दोनों ही B डॉट C हो जाएंगे तो टू डॉट C और इसी प्रकार टू सी डॉट A आ जाएगा और प्लस ये आ गया हमारा मॉड B का स्क्वायर और प्लस मॉड C का स्क्वायर इक्वल टू हो गया ज़ीरो अब मॉड ए हमारा कितना दिया है फाइव तो ये हो गया हमारा फाइव का स्क्वायर इन तीनों में से हम टू कॉमन ले सकते हैं तो ये आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए और प्लस बी का स्क्वायर मीन्स ट्वेल्व का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर मीन्स थर्टीन का स्क्वायर इक्वल टू तो ज़ीरो तो ये आ गया हमारा ट्वेंटी फाइव प्लस टू इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस वन फोर्टी फोर प्लस वन सिक्सटी नाइन इक्वल टू जीरो तो ये आ गया टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ई डॉट ए प्लस इन तीनों को ऐड कर दीजिए नाइन फोर थर्टीन थर्टीन और फाइव एटीन सिक्स और वन सेवन सेवन और फोर इलेवन और टू थर्टीन और वन और वन टू और वन थ्री ठीक है इक्वल टू जीरो तो ये आ जाएगा हमारा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए और इक्वल टू आ जाएगा माइनस थ्री थर्टी एट डिवाइडेड टू तो दैट इज इक्वल टू माइनस वन टू वन जो टू टू सिक्स जो ट्वेल्व टू नाइन जर एटीन तो दिस इज द आंसर क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ एल्फा इक्वल टू थ्री आई माइनस जे एंड बीटा इक्वल टू टू आई प्लस जे माइनस थ्री के देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू वेयर बीटा वन इज पैरल टू एल्फा एंड बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू एल्फा तो देखिए ध्यान से सबसे पहले हमारा कह रहा है यहाँ पे कि बीटा वन इज पैरल टू एल्फा तो बीटा वन इज पैरल टू तो अल्फा तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा हमारा बीटा वन इज इक्वल टू तो लेमडा एल्फा तो लेमडा इंटू एल्फा की वैल्यू रख दीजिए कितना है तो थ्री आई माइनस जे तो ये हो जाएगा हमारा थ्री लेमडा आई माइनस लेमडा जे इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं ये हमारा हो गया बीटा वन ठीक है अब बीटा इक्वल टू दिया हुआ है हमें बीटा वन प्लस बीटा टू तो यहां से हो गया हमारा कितना अगर हम बीटा टू निकालने लगे हम यहां से तो ये आ जाएगा बीटा माइनस बीटा वन तो बीटा कितना है हमारा दिया हुआ है टू आई प्लस जे माइनस थ्री के और माइनस बीटा वन का मतलब हो गया हमारा ये थ्री लेमडा आई माइनस लेमडा जे तो ये हो गया हमारा कितना टू माइनस थ्री लेमडा इंटू आई और प्लस जे और प्लस लेमडा जे तो प्लस वन प्लस लेमडा इंटू जे और माइनस थ्री के तो ये हो गया हमारा बीटा टू ठीक है अब नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है हमारा कि बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो इट मींस बीटा टू डॉट अल्फा इक्वल टू जीरो बीटा टू कितना आया हमारा टू माइनस थ्री लेमडा इंटू आई प्लस वन प्लस लेमडा इंटू जे और माइनस थ्री के डॉट एल्फा और एल्फा है हमारा थ्री आई माइनस जे इक्वल टू हो गया जीरो तो यहाँ से इसको डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो थ्री इंटू टू माइनस थ्री लेमडा और माइनस वन इंटू वन प्लस लेमडा और यहाँ जीरो है के है ही नहीं तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा माइनस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो तो ये हुआ सिक्स माइनस नाइन लेमडा माइनस वन माइनस लेमडा इक्वल टू ज़ीरो तो ये हुआ आपका माइनस टेन लेमडा प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो तो ये हुआ हमारा माइनस टेन लेमडा इक्वल टू माइनस फाइव माइनस से माइनस कैंसिल तो लैमडा इक्वल टू आ जाएगा हमारा वन बाई टू ठीक है अब लेमडा की वैल्यू मिल गई तो अब लेमडा की वैल्यू हम बीटा वन और बीटा टू में रख देंगे तो यहां से हमारा बीटा वन कितना आया चलिए इसको आगे उतार लेते हैं पहले बीटा वन है थ्री लेमडा आई माइनस लेमडा जे बीटा वन है आपका थ्री लेमडा आई माइनस लेमडा जे और बीटा टू हमारा कितना है बीटा टू है हमारा टू माइनस थ्री लेमडा आई टू माइनस थ्री लेमडा इंटू आई प्लस वन प्लस लेमडा जे वन प्लस लेमडा इंटू जे और माइनस थ्री के और लैमडा की वैल्यू आई वन बाई टू ठीक है और लैमडा की वैल्यू हमारी आ गई वन बाई टू ठीक है यही है सब कुछ जी तो बस अब इसमें बीटा वन निकाल देंगे हम तो बीटा वन इक्वल टू हो गया थ्री इंटू वन बाई टू आई माइनस वन बाई टू जे तो ये हो गया हमारा थ्री बाई टू आई माइनस वन बाई टू जे और इसी प्रकार अगर बीटा टू निकालने लगे तो ये हुआ टू माइनस थ्री इंटू वन बाई टू आई प्लस वन प्लस वन बाई टू इंटू जे और माइनस थ्री के तो ये आ जाएगा आपका कितना टू टू जा फोर माइनस थ्री भाई एलसीएम लेंगे ना तो टू टू जा फोर माइनस थ्री आ जाएगा तो ये आया वन बाई टू आई और टू वन ज टू प्लस वन थ्री बाई टू जे और माइनस थ्री के तो ये हमारा बीटा टू आ गया तो हमारा बीटा इक्वल टू जो आएगा हमारा बीटा वन प्लस बीटा टू तो बीटा वन हमारा है थ्री बाई टू आई माइनस माइनस वन बाई टू जे और प्लस बीटा टू यानी वन बाई टू आई प्लस थ्री बाई टू जे और माइनस थ्री के तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा बीटा आ जाना चाहिए आप जरा देखें एक बार कितना आ रहा है वैसे थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू दैट इज़ फोर बाई टू आई और फोर बाई टू आई का मतलब टू आई आ रहा होगा ठीक है तो ये बिल्कुल वही आ जाएगा और थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू यानी टू बाई टू इट मीन्स माइनस जे देखो जरा ध्यान से माइनस जे प्लस जे सॉरी आ, प्लस यही तो है थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू और माइनस थ्री के ठीक है हाँ बिल्कुल सही है तो ये हमारा बीटा वन आ गया बीटा वन प्लस बीटा टू हमें एक्सप्रेस करना था बीटा वन को क्लियर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स तो सबसे पहले हम ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल लेते हैं तो ई प्लस बी का मतलब हो गया 5 वन सिक्स आई और माइनस जे प्लस जे अगर प्लस कर रहे हैं तो माइनस का टू जे हो गया और प्लस लेमडा प्लस सेवन या सेवन प्लस लेमडा कर सकते हो इन की ठीक है तो e माइनस बी हमारा आ जाएगा कितना i माइनस फाइव आई तो माइनस फोर आई और माइनस ये प्लस करें अगर यहाँ पे तो माइनस वन और इसमें से माइनस किया तो प्लस हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा प्लस वन इंटू जे और प्लस सेवन माइनस लेमडा सेवन माइनस लेमडा इंटू की तो अब ये कह रहा है कि सिंस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर सो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू हो गया जीरो तो ये हुआ हमारा सिक्स इंटू माइनस फोर माइनस टू इंटू ये तो कैंसिल हो गया ज़ीरो और प्लस इसको सेवन प्लस लेमडा लिख लेते हैं सेवन प्लस लेमडा इंटू सेवन माइनस लेमडा इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो तो माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ज़ीरो प्लस सेवन सेवन जब फोर्टी नाइन माइनस लेमडा स्क्वायर आ जाएगा तो ये हुआ हमारा कितना 49 में से 24 गए गई तो 25 फाइव माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस से माइनस का आंसर तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा हमारा प्लस माइनस फाइव ठीक है तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैक्टर्स ए बी एंड सी आर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो वैक्टर एंड मॉड ए इक्वल टू थ्री मॉड बी इक्वल टू फाइव मॉडसी इक्वल टू सेवन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी तो देखिए वी आर गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी एज इक्वल टू जीरो वैक्टर अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि हमें वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी देन वी हैव टू टेक ए एंड बी वन साइड एंड दैट इज माइनस सी ऑन द अदर साइड क्लियर नाउ टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी ऑन बोथ द साइड ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी डॉट ए प्लस बी क्लियर अब देखिए जरा ध्यान से यहां से माइनस सी ए प्लस बी की जगह हम रख सकते हैं फिर से माइनस सी क्लियर यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी तो ये हो गया आपका मॉड ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों कम्यूटेटिव होते हैं स्केलर प्रोडक्ट तो इसका मतलब टू ए डॉट बी आ जाएगा और प्लस मॉड बी का स्क्वायर और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू सी डॉट सी का मतलब हो गया मॉड सी का स्क्वायर क्लियर तो मॉड ए का मतलब हो गया थ्री स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी का मतलब हो गया मॉड ए मोड बी इंटू theta और प्लस mod बी का स्क्वायर मतलब फाइव स्क्वायर और इक्वल टू हो गया हमारा सेवन स्क्वायर ठीक है ओके तो ये हुआ हमारा थ्री थ्री जहा नाइन प्लस टू मोड ए का मतलब फिर से रखो वैल्यू थ्री इंटू मॉड बी मतलब फाइव इंटू theta प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू सेवन सेवन जा for ठीक है तो ये हुआ नाइन प्लस टू थ्री जा सिक्स फाइव जा थर्टी कॉस्थीटा प्लस ट्वेंटी टू फोर्टी नाइन तो ये हुआ हमारा कितना थर्टी थीटा प्लस ट्वेंटी फाइव और नाइन कितना हो गया थर्टी फोर और इक्वल हो गया नाइन तो ये हो गया हमारा थर्टी थीटा इक्वल टू फोर्टी नाइन माइनस थर्टी फोर नाइन में से फोर गया फाइव और फोर में से थ्री गया वन तो थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी फिफ्टीन बाई थर्टी फिफ्टीन वन या फिफ्टीन फिफ्टीन टू जा थर्टी तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारी वन बाई टू और वन बाई टू होता है हमारा कॉस पाई बाई थ्री तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ गई हमारी पाई बाई थ्री क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड द वैल्यू ऑफ आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जे प्लस एक्स वाई तो देखिए जरा ध्यान से आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू आर का मतलब हो गया वही एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड की क्रॉस आई डॉट एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड की और क्रॉस जी और प्लस एक्स वाई अब जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट यहाँ से आई क्रॉस आई तो हमारा जीरो हो जाएगा तो यानी इसके साथ तो जीरो हो गया अब यहाँ से वाई लेते हैं तो वाई इंटू जे क्रॉस आई आएगा जे क्रॉस आई और प्लस जेड इंटू के क्रॉस आई ठीक डॉट अब यहां से आएगा एक्स आई आए क्रॉस जे आई क्रॉस जे अब यहाँ वाई क्रॉस जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा इसी प्रकार जेड इंटू के क्रॉस जे हो जाएगा और प्लस एक्स वाई तो देखिए जरा ध्यान से आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है तो जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के हो जाएगा तो माइनस वाई के हो गया और के क्रॉस आई इक्वल टू होता है जे तो जेड इंटू जे हो गया और डॉट एक्स इंटू आई क्रॉस जे का मतलब हो गया के और जेड के क्रॉस जे जे क्रॉस के का मतलब आई तो जेड के क्रॉस जे का मतलब माइनस आई तो माइनस जेड इंटू आई और प्लस एक्स वाई अब देखिए जरा ध्यान से के क्रॉस के डॉट के अब डॉट प्रोडक्ट है बीच में तो ये आएगा माइनस वाई इंटू एक्स की डॉट के और माइनस माइनस प्लस तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा वाई जेड और k डॉट i इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और इसी प्रकार जेड और इंटू जे क्रॉस जे डॉट के भी हमारा जीरो हो जाएगा और माइनस z माइनस जेड स्क्वायर और j डॉट i भी हमारा ज़ीरो हो गया और प्लस एक्स वाई आ गया तो ये हो गया माइनस माइनस एक्स वाई के डॉट के वन हो गया बाकी सब हमारे जीरो हो गए और प्लस एक्स वाई और एक्स वाई से भी एक्स वाई कैंसिल हो गया तो आंसर हमारा आ गया जीरो क्लियर तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वेक्टर जबरा क्लियर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चंस लेकर आएंगे देखते हैं इसी चैप्टर के लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में भी तो तब तक के लिए नमस्कार